Hello students, how are you? This video is in continuation of a series of videos of on hexagon chart. This is purely dedicated to WD GAN. हम जब WD GAN की बात करते हैं तो square of nine की बात करते हैं. Square of nine is an ocean. More you dive in, more you will get the pearls and gems. पर अगर मैं ये कहूँ हेक्सागन चार्ट शायद उससे अधिक नहीं तो उससे कम भी नहीं है. अगर मैं समझूं और एक बात कहूं कि हेक्सागन चार्ट को आज से पहले कभी एक्सपोजर मिला ही नहीं कि हाउ टू ट्रेड ऑन हेक्सागन चार्ट. हेक्सागन चार्ट की फॉर्मेशन उतनी ही आसान है जितनी स्क्वायर ऑफ नाइन की है. इसके ऊपर ट्रेड करना भी उतना ही आसान है जितना स्क्वायर ऑफ नाइन पे है. इसके भी उसी तरह से स्टैटिक और डायनामिक लेवल निकाले जा सकते हैं जिस तरह से स्क्वायर ऑफ नाइन के. ओनली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड द हेक्सागन चार्ट. इसके ऊपर तीन वीडियोस मैं पहले पोस्ट कर चुका हूं और एक वीडियो मैंने जस्ट कल ही पोस्ट की है, हाउ टू कैलकुलेट 360 डिग्री इन हेक्सागन चार्ट. और दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट 180 डिग्री इन हेक्सागन चार्ट. तो ये जो हेक्सागन चार्ट का मैं डिस्कशन कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि दिस विल ट्रिगर ए न्यू टूल इन टेक्निकल एनालिसिस, नॉट ओनली इन टेक्निकल एनालिसिस, इन एडवांस टेक्निकल एनालिसिस. ऑलराइट, तो उसके बारे में हम जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट 180 डिग्री इन हेक्सागन चार्ट, विच इज दिस कंप्लीट वीडियो इज डेडिकेटेड टू WD GAN. ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है WD GAN को ऑन हिज बर्थडे. वो जहां पे भी होंगे तो मैं अपनी विशेष उन तक पहुंचाता हूं और मैं समझता हूं वो जिस भी रूप में जहां पे भी होंगे विल रिसीव माय विशेष. And wishes on the behalf of all my students. It's I am not alone with all my students. I am going to pass on these wishes. Let's start how to calculate WD GAN. How to calculate 180 degree in hexagon chart. और hexagon की chart की importance और इसके ऊपर कैसे trade करना चाहिए. That also I will post the videos or next जब भी मैंने hexagon chart के ऊपर post करूंगा तो that my attempt will be to tell you how to trade on hexagon chart and get the benefited out of this study. All right, तो let's start with the calculation on hexagon chart. So this is the hexagon chart. मेरे को इसको explain करने की कोई आवश्यकता नहीं है. Already in last four videos में ये कैसे form होता है I have already explained to you. अभी इसके ऊपर 180 degree कैसे निकालना है उसको समझते हैं. आप center में देखें 22 के opposite 31 आपको दिखाई दे रहा है. मैंने एक क्रॉस बनाया हुआ है, जीरो के एक साइड में 22 है, दूसरी साइड पे 31 है, एक साइड पे 23 है, दूसरी साइड पे 32 है. इन्हें बॉक्स, ये आप बॉक्स देख सकते हैं, उस बॉक्स में एक तरफ 22 दूसरी तरफ 31 और एक तरफ 23 और 32 है. इस दे आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर मीन्स दे आर एट 180 डिग्री. अगर इसको मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा वो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं. मान लो मैंने ये एक्सेल का फार्मूला डाला हुआ है, मैंने यहां 22 टाइप कर रहा हूं, 22 टाइप किया तो मेरे को क्या नंबर मिला, 30.91 विच इज 31. आप देखें 22 के ऑपोजिट इज एग्जैक्ट 31. अभी मैं यहां 23 टाइप अगर कर दूं उसके अगेंस्ट उसके बिल्कुल ऑपोजिट 32 है तो क्या मेरा रिजल्ट 32 आएगा. आई हैव एंटर्ड 23 एंड रिजल्ट इज 32.1 यानी 32.
It means this mathematical formula is absolutely correct. तो ये correct है. इसके ऊपर हम लोग अभी किस तरह से drive किया है, सबसे पहले जो भी आपने number लिखा है उसका square root करें और फिर उसके अंदर आप 0.87 को add कर दें और जो भी आपका result आता है उसका square कर दें, तो then you will get the 180 degree. Now you can apply any number and you will get the 180 degree of that number. That's simple mathematics. Or uske upar aap kisi bhi number ke upar calculate kare, agar 41 ka opposite is 30 or 180 degree is 53, 43 ka opposite is 52. Let's see kya wo main agar calculate karta hun to kya mere formula pair wo theek result या करेक्ट रिजल्ट निकलते हैं या नहीं. लेट्स स्टार्ट टू कैलकुलेट. ऑल राइट, नाउ आई एम गोइंग टू टाइप 43 के ऑपोजिट इज